जेपी नड्डा से मिलने के लिए बीजेपी किसान मोर्चा के जो नेता हैं वो पहुंचे। धनखड़ को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर उन्होंने धन्यवाद दिया है। एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ को, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया। ये घोषणा कल शाम ही हुई है और अब उन्हें उम्मीदवार बनाने को लेकर धन्यवाद देने के लिए बीजेपी किसान मोर्चा के जो नेता हैं वो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के लिए पहुंचे। तो दो तस्वीरें, इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हुए जगदीप धनखड़ और दूसरी तस्वीर में आप देखिए धनखड़ को उम्मीदवार बनाने पर आभार जताते हुए बीजेपी किसान मोर्चा के नेता। कभी सोचा था कि किसान पुत्र उपराष्ट्रपति बनेगा? आप कभी मांग करने नहीं आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तय किया और आज आप लोगों को इतनी खुशी है आप सबके मन में। आप हमें धन्यवाद देने आए, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देने आए। हम आपका धन्यवाद सहर्ष स्वीकार करते हैं। आपके धन्यवाद को मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक भी पहुंचाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके का जोश किसानों के बीच में है और किसान पुत्र किस तरीके से अपने प्रत्याशी के बारे में सोच रहे हैं। मित्रों, ये रास्ते से भटकाने का काम, अटकाने का काम, लटकाने का काम, इनको अब भटकने दो, लटकने दो, अटकने दो। तुम चले चलो अपने रास्ते पर। इस बात पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते हुए कि ये किसान पुत्र उपराष्ट्रपति बनेगा ये सोचकर भी अब खुशी हो रही है और आपने जिस तरह से धन्यवाद देने के लिए आप यहाँ तक आए हैं, प्रधानमंत्री तक भी ये धन्यवाद जरूर मैं पहुँचाऊंगा और उन तक भी ये बात जरूर पहुँचाऊंगा। ये दो तस्वीरें एक बार फिर से देखिए, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, उन्होंने पहले गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की और फिर अब देखिए बीजेपी किसान मोर्चा के जो नेता हैं उन्होंने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और धन्यवाद जताया, आभार जताया कि जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। We'll be right back.